हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 सितंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस राज्य की सरकार ब्रिटेन से मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के बाघ नख को घर लाएगी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ब्रिटेन से मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के बाघ नख को घर लाएगी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं शिवाजी का बाघ नख है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शहर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन के लिए ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोच्ची, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। कौन सा शहर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन के लिए ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन का मेजबान है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई के अनुसार 1 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.039 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर कितना हो गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 698.89 बिलियन USD, ऑप्शन बी है 598.89 बिलियन USD, ऑप्शन सी है 498.89 बिलियन USD, ऑप्शन डी है 798.89 बिलियन USD। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, 598.89 बिलियन USD। किसकी बात हो रही है? फॉरेक्स रिजर्व की बात हो रही है। आरबीआई के अनुसार 1 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार या कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.039 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर कितना हो गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 598.89 बिलियन USD। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व कब कब हुआ था? अक्टूबर 2021 में। कितना? 645 बिलियन USD। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है जो गोल्ड रिजर्व है ये 584 मिलियन USD से अप हुआ है और कितना हो गया है? 44.939 बिलियन USD। जो गोल्ड रिजर्व है वेयर अप बाई $584 मिलियन to $44.939 बिलियन USD। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा स्पेशल ड्रॉइंग राइट वेयर अप बाई $1 मिलियन to $18.195 बिलियन। जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट है यह अप हुआ है कितने से? $1 मिलियन USD से, और कितना हो गया है? 18.195 बिलियन USD। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काला जीरा चावल किस राज्य का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। और ओडिशा में किस जिले का है? कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अच्छा न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जैविक श्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। इसने क्या किया है? अप्लाई किया है जीआई टैग के लिए, और किसके लिए किया है? काला जीरा चावल के लिए। तो एक कंपनी है एम एस एस आर एफ, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। इसने आपत्ति जताई है कि केवल सरकार जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकती है, तो इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश अपने लंबे समय से चले आ रहे विश्व व्यापार संगठन पोल्ट्री विवाद को निपटाने के लिए एक समझौते पर पहुँचे हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA अमेरिका। हाल ही में भारत और कौन सा देश अपने लंबे समय से चले आ रहे विश्व व्यापार संगठन पोल्ट्री विवाद को निपटाने के लिए एक समझौते पर पहुंचे है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु रिपोर्ट के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को बनाए रखने के लिए 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती की आवश्यकता है? अच्छा, जो एम है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, ये कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था? पेरिस एग्रीमेंट में,
कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रखना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 35%, ऑप्शन बी है 43%, ऑप्शन सी है 65%, ऑप्शन डी है 25%। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 43%। संयुक्त राष्ट्र जलवायु रिपोर्ट के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को बनाए रखने के लिए 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती की आवश्यकता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 43%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नासा के ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्रयोग मॉक्सी ने मंगल मिशन पूरा किया, मॉक्सी का मतलब क्या है? तो मॉक्सी का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। मॉक्सी का मतलब है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मॉक्सी का मतलब क्या हुआ, मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मॉक्सी बेसिकली क्या है, मॉक्सी क्या है, एक डिवाइस है, मॉक्सी डिवाइस है जो ऑक्सीजन जनरेट करता है, ऑक्सीजन जनरेट करता है। तो जो मॉक्सी डिवाइस है यह परसेवरेंस जो कि रोवर है इसके साथ गया था मंगल ग्रह पे। इसके अलावा क्या आपको क्या याद रखना है, इसने जो मॉक्सी डिवाइस है इसने 16वीं बार ऑक्सीजन जनरेट किया और नासा ने कहा कि अब मिशन क्या है कंप्लीट हो चुका है, नासा ने मिशन को कंप्लीट बताया। और जो परसेवरेंस रोवर है ये मार्स पे लैंड कब हुआ था, 2021 में, कब लैंड हुआ था 2021 में। और मॉक्सी ने कितना जनरेट किया ऑक्सीजन, 122 ग्राम टोटल कितना जनरेट किया ऑक्सीजन, 122 ग्राम। और मॉक्सी की इफिशेंसी कितनी है, मॉक्सी की इफिशेंसी कितनी है, तो एक घंटे में 12 ग्राम ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करता है और जो नासा का गोल था उससे लगभग डबल है। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले मॉक्सी क्या है, एक डिवाइस है, किसका है, नासा का है, मार्स में गया था मंगल में गया था वहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन जनरेट किया, किसके साथ गया था, परसेवरेंस रोवर के साथ। परसेवरेंस लैंड कब हुआ था, 2021 में। और अब तक मॉक्सी ने ऑक्सीजन कितना जनरेट किया, 122 ग्राम। और इसकी इफिशेंसी कितनी है, तो एक घंटे में 12 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया में पहली बार किस देश के वैज्ञानिक ने सुअर के भ्रूण पिग एम्ब्रियो के अंदर सफलतापूर्वक मानव गुर्दे किडनी विकसित किए हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैसे, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। दुनिया में पहली बार किस देश के वैज्ञानिक ने पिग एम्ब्रियो सुअर के भ्रूण के अंदर सफलतापूर्वक मानव गुर्दे विकसित किए हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, इस टीम को लीड किसने किया था, जो रिसर्च टीम थी इसे लीड किया था लियांगसुई लाई ने, लियांगसुई लाई ने जो कि सीनियर ऑथर है गुआंगझोउ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड हेल्थ के, इसके अलावा चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस भी था एंड वुई यूनिवर्सिटी। तो ये तीन पॉइंट याद रखना है, आपसे यूनिवर्सिटी का नाम भी पूछ सकता है। और जो सीनियर ऑथर है गुआंगझोउ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड हेल्थ साइंस के, उनका भी नाम पूछ सकता है, उनका नाम क्या है, लियांगसुई लाई, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, इस टर्म को क्या बोलते हैं, जेनो ट्रांसप्लांटेशन। और जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लिविंग सेल्स टिश्यू या ऑर्गेन फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीसीज टू इंडिविजुअल ऑफ एनदर, इसे क्या बोलते हैं, जेनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन लॉन्च किया है। आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है यूएसए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत ने। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में, किस देश ने खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत लॉन्च किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। और इसके अलावा आपको याद रखना है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च ऑन मिलेट्स
एंड अदर एंशियंट ग्रेन, ये भी किसने लॉन्च किया है? भारत ने। तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश की सरकार ने आकस्मिक प्रकोप की आशंका वाले विदेशी वायरस रोग जनकों पर शोध करने के लिए डीप VZN कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए UK ने, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA। किस देश की सरकार ने आकस्मिक प्रकोप की आशंका वाले विदेशी वायरस रोग जनकों पर शोध करने के लिए डीप VZN कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, USA, अमेरिका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन, 2023 रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस किस संस्था ने आयोजित किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ADB, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, न्यूज में क्यों था? तो भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था और भारत ने वहाँ पे क्या प्रदर्शित किया? PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को, ठीक है। और इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तब आंसर क्या होगा? जॉर्जिया में कहाँ? तबिलिसी में। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश तेजी से AI संचालित मानव रहित पनडुब्बियों का विकास कर रहा है जिसे घोस्ट सार्क कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसे और किस नाम से जानते हैं? घोस्ट सार्क को अंडर वाटर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश तेजी से AI संचालित मानव रहित पनडुब्बियों का विकास कर रहा है जिसे घोस्ट सार्क कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 उपग्रह मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हमारा देश भारत। किस देश ने पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 उपग्रह मिशन, G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हमारा प्यारा देश भारत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने घोषणा की है कि वह चरणबद्ध तरीके से ICRR को बंद कर देगा। आपसे पूछ रहा है कि ICRR का मतलब क्या है? तो देखो, CRR का मतलब तो होता है कैश रिजर्व रेशियो। आपको I का पता होना चाहिए, I का मतलब क्या है यहाँ पे? तो I का मतलब यहाँ पे है इंक्रीमेंटल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि I स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंटल। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर IMEC की स्थापना के लिए भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। IMEC का मतलब क्या है? तो IMEC का मतलब क्या होगा? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। IMEC का मतलब क्या हुआ? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ठीक है, तो यहाँ से बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देश का नाम पता होना चाहिए, कौन कौन देश है? भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली की सरकारों के बीच समझौता हुआ है। और IMEC का मतलब क्या हुआ? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। IMEC की कल्पना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की कल्पना रेलवे लाइनों और समुद्री मार्गों सहित परिवहन गलियारों के एक नेटवर्क के रूप में की जा रही है जिसे एशिया, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास में सहायता मिलने की उम्मीद है। की पॉइंट क्या है? एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप, ठीक है, इनके बीच एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास में सहायता मिलने की उम्मीद है।
और यह जो परियोजना है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए साझेदारी का हिस्सा है। तो यह परियोजना है ये किसका हिस्सा है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इस परियोजना का हिस्सा है। और ये है क्या, जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है ये क्या है, बेसिकली दुनिया भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए पश्चिम वेस्ट के नेतृत्व वाली पहल है। जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है यह क्या है, दुनिया भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए लीड कौन करता है, इसे वेस्ट पश्चिम के नेतृत्व वाली एक इनिशिएटिव है, पहल है, जिसे चीन के बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अमेरिका ने लाया है। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई ने स्वनियामक संगठन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने के लिए किस समूह की संस्थाओं को प्रोत्साहित किया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक, ऑप्शन बी ए फिनटेक फॉर्म, ऑप्शन बी ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी ए इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिनटेक फॉर्म। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसे बोलते हैं एसआरओ, और हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वनियामक संगठन। तो एसआरओ बेसिकली है क्या, एसआरओ एक गैर सरकारी संगठन है जो ग्राहक की सुरक्षा और नैतिकता, समानता और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग सदस्यों में संस्थाओं के आचरण से संबंधित नियमों और मानकों को निर्धारित और लागू करता है। एसआरओ क्या है, एक गैर सरकारी संगठन है जो ग्राहक की सुरक्षा और नैतिकता, समानता और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग में संस्थाओं के आचरण से संबंधित नियमों और मानकों को निर्धारित और लागू करता है। अच्छा, फिनटेक क्या होता है, तो फिनटेक का मतलब क्या होता है, फिनटेक को दो भागों में बांट दो, एक फिन हो गया और एक टेक हो गया। तो फिन का मतलब क्या हुआ, फाइनेंस, टेक का मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी। जैसे फिनटेक कंपनी है ना आपका, जैसे फ़ोनपे हुआ, पेटीएम हुआ, ये सब क्या हुआ, फिनटेक कंपनी है। तो फिनटेक क्या होता है, फिनटेक इज़ द रिवोल्यूशनरी इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विथ टेक्नोलॉजी लाइक फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह, वह सब क्या है, फिनटेक कंपनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार राज्य शिक्षा नीति 2023 लेकर आई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार राज्य शिक्षा नीति 2023 लेकर आई है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, जो स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2023 है वेस्ट बंगाल ने जो लाया है, ये क्या रिकमेंड करेगा, ए थ्री लैंग्वेज फार्मूला फॉर क्लास 5 to 8 विथ इम्फेसिस ऑन बंगाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बांग्लादेश और किस देश ने सितंबर 2023 में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दो द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। बांग्लादेश और किस देश ने सितंबर 2023 में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दो द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश और फ्रांस ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य ने लाभार्थियों को एटीएम कार्ड वितरित करके महिलाओं को बुनियादी आय योजना जिसका नाम है कलैगनार मगलिर उड़ीमाई थिटम शुरू की। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। इसमें क्या दिया जाएगा, ₹1,000 per month। किस राज्य ने लाभार्थियों को एटीएम कार्ड वितरित करके महिलाओं को बुनियादी आय योजना कलैगनार मगलिर उड़ीमाई थिटम शुरू की, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु ने। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, ग्राहकों को निर्बाध आवागमन अनुभव की सुविधा सीमलेस कस्टमर
कम्यूटिंग एक्सपीरियंस के लिए किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी है ICICI। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, PDF तो मिलेगा ही, वहाँ पे आपको जनवरी से लेके अगस्त 2023 तक का कंपाइलेशन पूरे करंट अफेयर का मिल जाएगा। इसके अलावा आप वहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।